The question is, we have to prove that sine inverse 3 upon 5 minus sine inverse 8 upon 17, and this is equal to cos inverse 84 upon 85. So let's see how we are going to solve the given problem. तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इस एक्सप्रेशन को प्रूव करने के लिए अभी राइट नाउ जो मेथड मैं यूज करने जा रहा हूँ, आई एम यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई। तो सबसे पहले मैं आपको ये प्रॉपर्टी को मेंशन कर देता हूँ कि कौन सी प्रॉपर्टी हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। प्रॉपर्टी हमारे पास है कि टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई, टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई, ये आपके पास इक्वल होता है टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई ओवर वन प्लस एक्स वाई के। पर इसके साथ में कुछ रेस्ट्रिक्शंस भी हैं। रेस्ट्रिक्शंस ये हैं कि एक्स आपका ग्रेटर देन जीरो और वाई भी आपका ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। तो इन केस अगर आपके गिवन एक्सप्रेशन में एक्स आपका ग्रेटर देन जीरो है, वाई ग्रेटर देन जीरो है, तो आप फिर इस प्रॉपर्टी को इजीली अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए, लेकिन अगर आप देखेंगे तो लेफ्ट हैंड में तो टेन के टर्म्स यहाँ पे नहीं नजर आ रहे हैं। तो पहले मेरा टास्क होगा कि इस पूरे एक्सप्रेशन को टेंजेंट में कन्वर्ट करना। आप देख सकते हैं कि जो क्वेश्चन हमें दे रखा है वो हमारे पास है साइन इनवर्स 3/5 माइनस साइन इनवर्स दैट इज 8/17। और मेरा टारगेट ये है कि मुझे ये प्रूफ करना है कि ये बराबर है कॉस इनवर्स 84/85 के। तो इसके लिए हम लोग कर क्या रहे हैं, मैं सबसे पहले ये जो साइन इनवर्स 3/5 एक्सप्रेशन है इसको एक अनदर एंगल ए से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। लेट दिस इज योर ए, और साथ में ये जो सेकेंड टर्म है विच इज योर साइन इनवर्स 8/17, इसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ एंगल बी से। तो पहला वाला टर्म हमारा एंगल ए आ गया, दूसरा वाला टर्म हमारा एंगल बी आ गया। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि साइन ए की जो वैल्यू है वो हमारे पास होगी 3/5 के। और यहां से अगर आप साइन बी पे कमेंट करें तो ये आपको मिल रहा है 8/17। अब देखिए, आप ट्रिग्नोमेट्री को यूज करके टेंजेंट टेन ऑफ ए और टेन ऑफ बी को इजीली पता कर सकते हैं। मान के चलिए ये आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है और लेट दिस एंगल इज योर ए, और साइन ए की वैल्यू आपको दे रखी है 3/5, मतलब एल्टीट्यूड 3 और हाइपोटेनियस आपका 5। तो व्हाइल यूजिंग पाइथागोरस आपका बेस बनता है 4। सिमिलरली एक और ट्राइंगल हमें प्लॉट करना चाहिए, लेट दिस एंगल इज योर बी। अब अगर आपका ये एंगल बी है तो आप देख सकते हैं कि साइन बी आपको दे रखा है 8/17 विच इज योर एल्टीट्यूड अपॉन हाइपोटेनियस। और अगेन मैं यहाँ पे अगर पाइथागोरस को यूज करूंगा तो आपको पता लगेगा कि जो बेस है वो आपको मिला है 15। अब यहां से आप इजिली चेक कर सकते हैं कि अगर मैं टेन ए पे कमेंट करूं तो टेन ए मुझे मिल रहा है 3/4, और यहां से अगर अपन टेन बी पे कमेंट करें तो टेन बी हमें मिल रहा है 8/15 के। या फिर आप ये भी लिख सकते हैं कि ए इज योर टेन इनवर्स 3/4, और सिमिलरली बी के ऊपर आप कमेंट कर सकते हैं दैट इज योर टेन इनवर्स 8/15। तो आप एक बार स्टार्टिंग में चेक करिए कि आपने फर्स्ट वाले एंगल को ए से रिप्रेजेंट किया था और अगले वाले एंगल को बी से रिप्रेजेंट किया था, और आपको वैल्यू कैलकुलेट करनी है ए माइनस बी की, और हमने ए और बी को टेन के टर्म्स में पता कर लिया है। तो अब मैं यहां से अगर ए माइनस बी की वैल्यू पता करूं जो कि बनेगा टेन इनवर्स 3/4 माइनस टेन इनवर्स 8/15। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, अब जैसे कि स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई, मैंने जनरली ये फॉर्मूला इसलिए यूज किया है कि मैक्सिमम स्टूडेंट को ये फॉर्मूला तो कम से कम याद रहता ही है, तो बेटर है क्यों ना इसी पे काम किया जाए। तो टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई ये आपके पास बराबर होता है, दिस इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई। तो एक्स माइनस वाई की बात करेंगे तो ये 3/4, ये माइनस 8/15, ये न्यूमरेटर का पार्ट है, और डिनोमिनेटर में हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस के 3/4 इंटू 8/15 के। द नेक्स्ट स्टेप व्हाट वी हैव टू डू, हम लोग इसे फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे। अब अगर मैं इसे फर्दर सिंप्लीफाई करता हूं तो ये बनेगा टेन इनवर्स, इसको हम लोग लिख सकते हैं, नाउ जस्ट टेक द एलसीएम। तो एलसीएम आप देख सकते हैं 60 आपको मिल रहा है, और यहाँ पे आप बात करेंगे तो ये बनेगा 45, और यहाँ पे आप लिख सकते हैं 32 इन द न्यूमरेटर। सिमिलरली ये जो डिनोमिनेटर है इसको अगर आप सिंप्लीफाई करते हैं तो एलसीएम आपको मिल रहा है 60, और ये आपका 60 एंड दैट इज योर 24, और यहाँ पे 60 से 60 आपका कैंसिल भी हो रहा है। तो आप इसे फर्दर सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं डेट इज टेन इनवर्स 13/84। पर आप देख सकते हैं कि आपको जो डाटा चाहिए वो टेंजेंट के टर्म्स में डाटा नहीं चाहिए, आपको क्वेश्चन में प्रूव करना है कि दिस एक्सप्रेशन इज इक्वल टू
कॉस इनवर्स 84/85। तो हम लोग क्या करेंगे कि जो अब फाइनल रिजल्ट मुझे मिला है, मैं अब इसे कॉस के टर्म में कन्वर्ट करना शुरू करता हूँ। और इसके लिए मैंने अभी फिर से इसको एक एंगल थीटा लेट कर लिया है। इन केस अगर आपने इसे थीटा लेट कर लिया है, तो टेन थीटा आपके पास बनता है 13/84 के। आप फिर से एक राइट एंगल ट्राइंगल को यूज कर सकते हैं कॉस थीटा की वैल्यू निकालने के लिए। तो आप देख सकते हैं कि अगर ये आपका थीटा है और ये आपको दे रखा है 13, इट इज नॉट 48, इट इज एक्चुअली 84। दिस इज योर 84, सो दैट इज योर 13/84। और जब आप पाइथागोरस यूज करेंगे, तो वाइल यूजिंग पाइथागोरस ये आपको मिलेगा 85। तो यहां से अगर मैं कॉस थीटा की बात करूं, तो कॉस थीटा आपको मिलने जा रहा है दैट इज योर 84/85। या फिर आप लिख सकते हैं थीटा इज योर कॉस इनवर्स 84/85। यही वो डाटा है जो आपको प्रूव करना था कि ये इट इज ऑल्सो इक्वल टू कॉस इनवर्स 84/85। तो फाइनली वी हैव गॉट द रिजल्ट दैट इज 10 इनवर्स 3/4। 10 इनवर्स 3/4 माइनस 10 इनवर्स 8/15 को हमने प्रूव किया है दैट इज कॉस इनवर्स 84/85। और ये जो 10 इनवर्स 3/4 और 10 इनवर्स 8/15 है, ये एक्चुअली आपका ए और बी था, विच इज और ए दिस वन बी दिस वन। और ऊपर आप देख सकते हैं कि ए आपके पास साइन इनवर्स 3/5 भी है और बी आपका साइन इनवर्स 8/17 भी है। सो फाइनली वी हैव प्रूव इट दैट साइन इनवर्स 3/5 माइनस साइन इनवर्स 8/17 इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 84/85।